तुकाराम मुंडे के दौर में ये सब चीजें देखने के लिए भी मिली थी, कई मामलों में डायरेक्टली कार्रवाई हुई थी, कितने लोगों को नौकरी से निकाला गया था। आपको नहीं लगता है कि ये चीजें साफ तौर पर जनता को नजर आने लगी है कि आखिर अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए क्या है कि तुकाराम मुंडे का जो वर्किंग स्टाइल था ना, वो मुझे मेरी नजर में वो एक बहुत ही अच्छा वर्किंग स्टाइल था। कम से कम उनके नजर में जो भ्रष्टाचार आ जाता था वहां पर वो किसी भी अधिकारी को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि दो दो लोगों को नौकरी छोड़ करके जानी पड़ी थी। सिनरकर साहब का आप नाम ले सकते हैं, जीबी राव का नाम ले सकते हैं, सबों को रिजाइन करके जाना पड़ा था, ठीक है ना। और रह गई बात, अब और भी एक आध दो मैटर में आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स का मैटर उठर था तो उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की। तो हमारा कहना यह है कि अगर आप ईमानदार हो और रियल माने में आपकी नियत शासन में या पालिका में जारी भ्रष्टाचार को खत्म करने का है, तो निश्चित तौर पे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इसके लिए कोई बहुत बड़ी स्कीम बनाने की जरूरत नहीं है। आपको वो सारा पावर जो है कानूनी तौर पे मिला हुआ है, सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता कि इस आयुक्त में जो वर्तमान समय में प्रशासक के रूप में है, उनकी नीयत में मुझे खोट दिखाई देता है। उनकी नीयत भ्रष्टाचार को रोकने की नहीं है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि भ्रष्टाचार को सहभागी है। बहुत बड़ा अपने संगीन आपने पहले भी लगाया था, अभी दोबारा आपने इसका खुलासा किया कि ये कहीं ना कहीं उनकी नियत में खोट है और आयुक्त बारे में गंभीरता सोचना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।